अस्सलाम वालेकुम कुकिंग में साथ में आप सबको वेलकम। और आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही आसान और मिनटों में बनने वाली चीज़ है। वैसे अक्सर अचार तो सुना होगा आप लोगों ने कि 4 दिन में तैयार होता है, 10 दिन में तैयार होता है, लेकिन ये जो मैं अचार बनाने जा रही हूँ ये आप इंस्टेंट बना के उसी वक्त ही खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे दोपहर में कुछ नहीं हो खाने के लिए तो फिर ये बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और ये अचार आपने कहीं नहीं देखा होगा जो अचार मैं आज आपको बना के दिखाने वाली हूँ। ये सबसे पहले मैंने कैरी लिए, ये 3 बड़ी कैरी हैं और मैंने इसको छिलका समेत कद्दूकश कर लिया है। ये कद्दूकश वाला अचार होगा, इसको हम पीसेस में नहीं करेंगे, इसको हम कद्दूकश करेंगे। ये कैरियों को मैंने कद्दूकश कर लिया है, जाती हुई कैरी है तो थोड़ी थोड़ी सी येलो हो गई है, वरना तो ये कैरी खट्टी ही है, अच्छा खासी पीस खट्टी है। और ये मैं लहसुन है, 1/4 लहसुन की पूरी मैंने इतना मोटा मोटा धड़ा सा कोट लिया है। इसको पीसना नहीं है, इसको मोटा मोटा सा रखना है, चॉप रखा हुआ है मैंने, इसको चॉप है। और ये 4 से 5, 6 से 8 आप हरी मिर्चें ले लें, जितनी आपको मिर्चें पसंद हो। हम ज़्यादा मिर्चें नहीं डालेंगे क्योंकि तेज़ हो जाता है, फिर कोई खा नहीं पाता। और बाकी और जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे मसाला जार, वो 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून नमक लिया है और 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। आप इसके अलावा अपनी टेस्ट के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं। और ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो है इसको हम पीसेंगे, इसको हम फाइन पाउडर बनाएंगे, जिसमें मैंने चुटकी भर 1/4 टीस्पून करौंजी लिए है और कुछ दाने मैंने राई के लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने साबित धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है सुपर वाला, और 1/2 टीस्पून मैंने मेथी डाला है। चूल्हे पर अच्छा खासी तेज़ गर्म पैन है, अब सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। इसमें चट-चट की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, अब ये हम इसको हटा देंगे। जब तक ये सरसों का तेल मैंने अच्छे से पकने रख दिया है, तेल हमारा पक जाए, क्योंकि तेल की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। आप दूसरे वाले अचार में तो डाल सकते हैं कच्चा तेल, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी, इसमें मैं पका के ही तेल में बघार लगाएंगे। यहाँ पे जब तक हमारे थे अपने बाकी जितना तेल है, ये मैंने 1 प्याला तेल लिया है, तकरीबन 1 पाव जितना तेल है ये हमारा, 1 प्याला तेल लिया है। अभी हम एक बोल ले लेंगे, इसमें हम सारी अपनी कैरियों को डाल देंगे। अब होने का ना कोई डर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही अचार होगा, इतना जल्दी पता ख़राब भी नहीं होगा, आप इसको रख सकते हैं आराम से, ये ख़राब नहीं होता। ये कट लगा रही हूँ मैं हरी मिर्चियों में, जो हमारा मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन था हम वो इसमें ऐड कर देंगे। ये जो पाउडर हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, अचार का मसाला मिलता है, अचार का मसाला बना बनाया, रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखें कितना बिल्कुल कैरियो मसाला हमारा बहुत अच्छे से लग गया है। अब हम इसको, आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए रख दें, वरना तो हम इसको डायरेक्ट बघार लगाएंगे, वैसे भी ये रेडी हो जाएगा, इसे कहते हैं इंस्टेंट। बघार के लिए मैंने लिए हैं 1/2 गड्डी कड़ी पत्ते की, 1 टीस्पून ज़ीरा साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून करौंजी और कुछ दाने मैंने इसमें राई के लिए हैं, देखें
कुछ दाने बिल्कुल थोड़े से मामूली से, और 8 से 10 बड़ी वाली साबित गोल मिर्चें ली हैं, और 5 से 6 लहसुन के जवे हैं। इसको मैंने बीच में काट, इसको मैंने पकने रखा था, ये अच्छे से पक चुका है। इसके कच्चे कच्चे स्मेल खत्म हो गई है। कच्ची स्मेल की ख़त्म हो गई सारी। अब हम इसमें लहसुन की जगह ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह। साबित गोल वाली मिर्ची ऐड कर देंगे हम। जलेगा तो नहीं ना लहसुन। पत्ता ऐड कर देंगे इसमें। जीरा कलौंजी, थोड़ा सा कलर आ जाए सब चीज़ों पे। ये हमारा पकाट रेडी है और अब दूर हो गए। बघार रेडी है, अब हम इसको लगा देंगे, इसमें डाल देंगे। हमारा इंस्टेंट अचार बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी टू ईट। हम इसको अभी बनाया है हमने और हम इसको अभी खाएंगे। आज पराठे से खाएं, दोपहर में रोटी से खाएं, चावल से खाएं, और ये दोपहर का ही टाइम है जब मैंने ये रेसिपी बनाई है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बताइएगा आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ईजी और बहुत ही लेडीज की रेसिपी है। और नहीं, अचार लवर जो होते हैं जिनको अच्छा लगता है वो तो खा सकते हैं आराम से। और अपनी हम दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग हमें फॉलो करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।